वेलकम टू माई चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग क्लोज एंड रिपोर्टेड स्पीच रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इन टू इन डायरेक्ट स्पीच एंड देन देर इज़ एन एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं द वर्ड्स स्पोकन बाय अ परसन कैन बी रिपोर्टेड इन टू वेज एक व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों को दो तरीकों से हम रिपोर्ट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो दो तरीके होते हैं डायरेक्ट एंड इनडक्ट तो आइए देखते हैं डायरेक्ट स्पीच का क्या मीनिंग होता है द एक्चुअल और एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कंसीडर्ड एज डायरेक्ट स्पीच स्पीकर के द्वारा बोले गए एक्चुअल वर्ड्स को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है स्पीकर ने जिन भी शब्दों को यूज़ किया होता है उन्हीं शब्दों को एज इट इज बोल देना डायरेक्ट स्पीच होता है फॉर एग्जाम्पल ही सेट आई शैल गो टू सिनेमा उसने कहा मैं सिनेमा जाऊंगा तो यहाँ पर स्पीकर ने इन्ही शब्दों को यूज़ किया और इनको ही प्रजेंट किया जा रहा है तो ये डायरेक्ट स्पीच है नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी सेड आई हैव बोट अ न्यू बैग उसने कहा मैंने एक नया बैग खरीद लिया है अब अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम इस तरीके से बोलें He said that he would go to cinema. उसने कहा कि वह cinema देखने जाएगा She said that she had bought a new bag. उसने कहा कि उसने एक नया बैग खरीद लिया था तो यहाँ पर हमने स्पीकर के द्वारा बोले गए एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज़ नहीं किया बल्कि हमने स्पीकर की बात के मीनिंग को कन्वे कर दिया तो ये तरीका कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच या फिर हम कह सकते हैं द सब्सटेंस ऑफ वॉट द स्पीकर हैज सेड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच अब हम समझते हैं रिपोर्टिंग क्लोज और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती हैं सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए आई सेड आई कैन सोल्व द सम यहाँ पर रिपोर्टिंग क्लोज है आई सेड रिपोर्टिंग क्लोज इज़ एन अटरेंस दैट आइडेंटिफाइज द स्पीकर रिपोर्टिंग क्लोज से हमें पता लग जाता है कि स्पीकर कौन है किसने बात को बोला है इट जनरली कम्स बिफोर द inverted कॉमास और ये अक्सर inverted कॉमास से पहले आती है अब यहाँ पर जो वर्ब said है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं तो रिपोर्टिंग क्लोज हो गई आई said और सेट हो गई रिपोर्टिंग वर्ब अब इनवर्टेड कोमास के अंदर जो स्टेटमेंट दी गई है जो बात कही गई है उसे हम कहते हैं तो इस तरीके से हमने देखा रिपोर्टिंग क्लोज रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती हैं. नाउ रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू टू स्पीच सभी रूल्स को डिटेल में बताने से पहले मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है अब हम देखेंगे कि इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हम पहले उन चेंजेस को नोट करेंगे और फिर सभी रूल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे अब देखिए एग्जांपल है ही सेड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा स्टार्ट आई एम गोइंग टू स्कूल टूडे फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल दैट डे अब यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए हैं देखिए पहला चेंज है सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में दूसरा चेंज इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड एंड दैट इज़ यूज इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट यूज़ कर दिया गया है फिर आई चेंज हो गया है ही में प्रोनाउन वाला चेंज है नेक्स्ट है एम चेंज हो गया वोज में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई और फिर अगला चेंज है टुडे चेंज हो गया है दैट डे में तो इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए पांच चेंजेस आए हैं अब हम इन सभी पांच चेंजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहला चेंज होता है अगर डायरेक्ट स्पीच में से आ जाए तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में से ही रखा जाता है कोई चेंज नहीं होता और ऐसे ही सेट भी सेड ही रहती है लेकिन अगर सेट के बाद टू आ जाता है इट मीन्स सेट टू आ जाए तो वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा इसी तरीके से से टू टेल में अब यहाँ पर एक बात खास है कि से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और अगर इसके बाद टू लग गया तो हम टेल जो कि फर्स्ट फॉर्म ही है वही यूज़ कर रहे हैं और अगर सेड टू है तो टोल्ड मीन्स सेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और टोल्ड भी टेल की सेकेंड फॉर्म ही है ऐसे ही आगे चलिए विल से टू तो हम चेंज करेंगे विल टेल में नेक्स्ट है इज सेइंग टू तो इसका चेंज हो जाएगा इज टेलिंग नेक्स्ट हैज़ सेड टू हैज़ टोल्ड तो ये है चेंज नंबर वन जो रिपोर्टिंग वर्ब में हमें चेंज करना होता है चेंज नंबर टू इनवर्टेड ही सेड टू मी अब सबसे पहले सेट टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में अभी अभी हमने टेबल को देखा था ही टोल्ड मी दूसरा चेंज है इनवर्टेड कोमाज को हटाकर दैट लगा देना मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल को इनकम्प्लीट ही रखा है ताकि जो जो चेंजेस हमें पहले समझने हैं हम उन पर ही फोकस रखें तो इस तरीके से दो चेंज हो गए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड है सेड टू है उसको चेंज करना दूसरा रूल हो गया इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाना और ख़ास बात यह है कि अभी हम अफर्मेटिव यानी कि सिंपल हाँ वाले सेंटेंसेस को ही उनके ही रूल्स देख रहे हैं समझ रहे हैं अब चेंज नंबर थ्री पर आने से पहले जरूरी है रिपोर्टिंग क्लोज और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ होते हैं कौन कौन से होते हैं इनको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है तो एग्जाम्पल देखिए ही सेड टू मी आई गेव हिम अ बुक अब यहाँ पर ही सेड टू मी ये रिपोर्टिंग क्लोज है और इसमें सब्जेक्ट है ही ऑब्जेक्ट है मी उसने मुझको कहा अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच है आई गेव हिम अ बुक मैंने उसको एक बुक दी तो आई सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट है अगला एग्जाम्पल देखिए आई सेड टू हिम यू हैव इटर्न योर मील अब मैंने यहाँ पर जानबूझकर नहीं लिखा है आप खुद ही सॉल्व कीजिए नोटबुक लेकर बैठिए और बताइए कि आई सेड टू हिम ये रिपोर्टिंग क्लोज है तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा आई हिम होगा ऑब्जेक्ट ऐसे ही रिपोर्टेड स्पीच में यू हैव ईटन योर मील में यू सब्जेक्ट होगा और योर मील ऑब्जेक्ट होगा तो इस तरीके से रिपोर्टिंग क्लोज रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझना बहुत ही जरूरी होता है अब आते हैं हम चेंज नंबर थ्री पर और बहुत ही इजी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है सन वन टू थ्री अब इस फार्मूला का क्या मतलब है समझते हैं देखिए रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो वो रिपोर्टिंग क्लोज़ के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और फर्स्ट पर्सन कौन होता है स्पीकर बोलने वाला आई वी इस तरीके से फिर है अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आ जाए इट मींस यू तो वो रिपोर्टिंग क्लोज के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है फिर है रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन आ जाए ही शी दे तो कोई भी चेंज नहीं होता यहाँ सन का मतलब है एस से सब्जेक्ट ओ से ऑब्जेक्ट और एन से नो चेंज आइए अब इस रूल को डिटेल में समझते हैं सबसे पहले हमने कहा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से शुरू होती है तो वो रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है एग्जाम्पल देखिए ही सेड आई एम अ गुड राइटर सबसे पहला चेंज यहाँ पर सेड है टू नहीं लगा हुआ तो सेड का सेड रह जाएगा ही सेड दूसरा इन्वर्टेड कॉमास को, को हटा दीजिए दैट और अब आते हैं हम चेंज नंबर थ्री पर रिपोर्टेड स्पीच आई से शुरू हो रही है आई फर्स्ट पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट ही के पास जाएगा और चेंज होकर आ जाएगा इट मीन्स आई की जगह ही यूज़ होगा अब आगे मैंने फिर से जानबूझ कर छोड़ा है क्योंकि अभी हम ओनली इस चेंज पर ही फोकस करेंगे एक और एग्जाम्पल देखिए शी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमर्स आई ईट ब्रेड ओके इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए सबसे पहले सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में शी टोल्ड मी चेंज नंबर टू दैट लगा दीजिए इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर फिर आई फर्स्ट पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन है शी इसके पास जाएगा और चेंज होकर आ जाएगा आई की जगह हम शी यूज़ करेंगे तो ये रूल हमने डिस्कस किया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होती है तो वो रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है अगला रूल है अगर रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड पर्सन से स्टार्ट होती है इट मीन्स यू से तो वो रिपोर्टिंग क्लोज के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी एग्जाम्पल ही सेड टू मी यू आर डिसऑनेस्ट अब सबसे पहले सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में ही टोल्ड मी इन्वर्टर को हम आपको हटा दीजिए दैट लगा दीजिए अगला जो मेन चेंज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है यू यू सेकेंड पर्सन है ये रिपोर्टिंग क्लोज के ऑब्जेक्ट के पास जाएगा ऑब्जेक्ट क्या है मी अब ये लगा लीजिए कि यू थोड़ा नखरे वाला है जब वो मी के पास गया तो मी को एज इट इज़ नहीं लेकर आया मी चेंज हो गया अब ये चेंज क्यों हुआ उसको ग्रामेटिकली समझ लीजिए यू रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है तो जब ये रिपोर्टिंग क्लोज के ऑब्जेक्ट के पास जा रहा है तो ऑब्जेक्ट भी अब उसको सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे इट मीन्स सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही आएगा ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ही आएगा यू रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है तो ये मी के सब्जेक्ट को लेकर आएगा और मी का सब्जेक्ट होता है आई He told me that I. अब हम एक बार लिस्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए ऑब्जेक्ट मी होता है तो उसका सब्जेक्ट आई होता है हिम ऑब्जेक्ट है तो ही सब्जेक्ट है देम ऑब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट होता है दे हर का सब्जेक्ट शी अस का सब्जेक्ट वी यू का सब्जेक्ट यू सेम रहता है इट भी सेम रहता है अब इसको और हम एग्जाम्पल से समझते हैं ही सेड टू देम दैट इतना आपको समझ आ गया अब यू रिपोर्टिंग क्लोज के ऑब्जेक्ट यानी कि दैम के पास जाएगा और दैम इधर आते हुए दे बन जाएगा आप ये ऊपर लिस्ट भी देख सकते हैं और यही लिस्ट एक्टिव पैसिव वॉइस वाले टॉपिक को डिस्कस करते हुए भी बहुत ही डिटेल में समझाई है मैंने आइए अब इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन और तीसरी बात हमने कही थी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ जाता है तो कोई भी चेंज नहीं होता एग्जांपल राम सेड टू हिम ही विल गो टू बॉम्बे राम टोल्ड हिम दैट अब ही थर्ड पर्सन है तो ये किसी के पास नहीं जाएगा ना सब्जेक्ट के पास ना ऑब्जेक्ट के पास इसमें कोई चेंज नहीं आएगा ही का ही रहेगा नेक्स्ट शी सेड टू मी दे आर वेरी रिच शी टोल्ड मी दैट दे दे भी थर्ड पर्सन है तो इसीलिए कोई चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर सबसे पहले हमने फर्स्ट रूल डिस्कस किया कि रिपोर्टिंग क्लोज रिपोर्टेड स्पीच ये क्या होते हैं फिर हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो no चेंज वाला रूल समझा है अब आगे हम डिस्कस करते हैं चेंज नंबर फोर टेंस का चेंज अगर डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट बन जाता है अब यहाँ पर मैंने एक वर्ब का एग्जाम्पल ले लिया है साथ के साथ हम समझते जाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में वर्ब प्ले है तो वो इनडायरेक्ट में प्लेड बन जाएगी नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटीन्यूस इट मीन्स इज और एम और आर प्लस प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होता है इसमें तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में इट मींस इज प्लेइंग का बन जाएगा वाज प्लेइंग और आर प्लेइंग का बन जाएगा वर प्लेइंग नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट इट मींस हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में इट मींस हैज़ और हैव चेंज हो जाते हैं हैड में और ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज ही रहती है नेक्स्ट है सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लेड ये चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट में प्लेड का बन जाएगा हैड प्लेड नेक्स्ट पास्ट इट मीन वोज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लेइंग होगा तो ये चेंज हो जाएगा हैड बीन प्लेइंग में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस में चेंज हो जाएगा अगला है पास्ट परफेक्ट हैड प्लेड इसमें कोई चेंज नहीं होगा इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन प्लेइंग होगा तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा अगर डायरेक्ट स्पीच में शेल और विल है तो वे चेंज हो जाएंगे शुड और वुड में कैन कुड में में में, में, बन जाएगा, हो 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 जाएंगे, 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 या तो ये थे टेंस वाले changes. अब है चेंज फाइव अभी टेंस वाले सारे एग्जाम्पल हम आगे करेंगे देखिए अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस आता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया जाता है दैट में दीज चेंजेस इन टू दोज हेयर का देयर बन जाता है नाउ देन टे दैट डे टाइट दैट नाइट टमारो द नेक्स्ट डे यस्टरडे द डे बिफोर लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट सो तो ये था चेंज नंबर फाइव अब हम इन सभी चेंजेस को फॉलो करेंगे प्रैक्टिस करते हैं सबसे पहले सेंटेंस है मोहन सेड आई वॉश क्लोथ्स अब सबसे पहले देखिए सेड टू नहीं है तो कोई चेंज नहीं होगा मोहन सेड दूसरा रूल इन्वर्टेड कॉमास को हटा दीजिए दैट लगा दीजिए तीसरा रूल पर्सन वाला प्रोनाउन वाला चेंज आई फर्स्ट पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट मोहन के पास जाएगा और क्योंकि मोहन एक मेल है तो आई का बन जाएगा ही ओके okay. अगला चेंज वोश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म में वोश का बन गया वोश्ड क्लोथ्स एज इट इज रहेगा तो क्या आंसर बना मोहन सेड दैट ही वॉश्ड क्लोथ्स आई होप आपको समझ आ रहे होंगे नेक्स्ट ही सेड टू मी शी इज रीडिंग अ बुक ही टोल्ड मी सेट टू आ गया तो टोल्ड बन गया और दैट वाला चेंजेस मैं बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको याद हो गया होगा ही टोल्ड मी दैट अब है शी शी थर्ड पर्सन है इसलिए कोई चेंज नहीं Is चेंज हो गया वोज में बाकी कोई चेंज नहीं तो आंसर बना ही टोल्ड मी दैट शी वॉज रीडिंग अ बुक थर्ड सेंटेंस she said to me i have done my work she told me that ab i first person hai to ye reporting clause ke subject she ke paas jayega aur i change ho jayega she mein fir hai have have change ho jata hai had mein fir she had done अब देखिए I के साथ my work है तो बिल्कुल obvious है clear है कि she के साथ हर वर्क होगा तो आंसर हो गया शी टोल्ड मी दैट शी हैड डन हर वर्क नेक्स्ट देखिए ही सेड टू मी आई रोट अ बुक ही टोल्ड मी दैट आई ही के पास गया चेंज होकर आ गया आई फर्स्ट पर्सन था इसलिए सब्जेक्ट के पास गया आई का बन गया ही अब देखिए रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और अभी अभी हमने रूल पढ़ा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज हो जाती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में यानी कि पास्ट इनडेफिनेट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में तो ही हैड रिटर्न अ बुक आंसर हो गया ही टोल्ड मी दैट ही हैड अ बुक नेक्स्ट देखिए आई सेड टू माई फादर she was cooking food answer is i told my father that she third person hai koi change nahi hua she ka she raha aage hai was cooking was were change ho jate hain had been aur ye verb ki first form plus ing same रहेगा she had been cooking food तो बहुत ही easy है ना ये सारे आगे देखिए he said to me

फर्स्ट पर्सन था तो रमन के पास गया रमन एक मेल है तो आई का बन गया ही विल चेंज हो गया वुड में रमन टोल्ड मी दैट ही वुड प्ले फुटबॉल एट सेंटेंस शी सेड टू मी आई कैन सोल्व योर प्रॉब्लम शी टोल्ड मी दैट आई रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट शी के पास गया और चेंज होकर आ गया आई का बन गया शी कैन का बन गया कुड अब देखिए शी कुड सॉल्व योर प्रॉब्लम अब योर जो है सेकेंड पर्सन आ गया तो ये किसके पास जाएगा रिपोर्टिंग क्लोज के मी के पास ऑब्जेक्ट के पास तो यहां पर योर का बन गया माई प्रॉब्लम शी टोल्ड मी दैट शी कुड सॉल्व प्रॉब्लम नेक्स्ट ही सेड टू मी शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग ही टोल्ड मी दैट शी कोई चेंज नहीं थर्ड पर्सन है विल का बन गया वुड शी वुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग टेंटेंस आई सेट टू हर आई शेल है इन्वर्टर को हम उसको हटाकर दैट लगा दिया आई टोल्ड हर दैट आई फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट के पास जाएगा वो भी आई है तो सेम रहा आई अब शेल हैव ये शेल और विल चेंज हो जाते हैं वुड में तो आई वुड हैव है लेटर्स तो ये हमने प्रैक्टिस की सारे चेंजेस हमने फॉलो किए इसमें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज फिर इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाने का काम थर्ड रूल हमने किया था प्रोनाउन वाला चेंज पर्सन वाला चेंज फोर्थ चेंज आ गया टेंस का और फिफ्थ चेंज अगर जो भी वर्ड्स दिए होते हैं अगर यहाँ पर टुडे तो दैट डे में चेंज हो जाता इस तरीके से जो भी हमने रूल पढ़े उसके अकॉर्डिंग फिफ्थ चेंज को हम फॉलो करते अब देखिए सेकेंड टाइप अभी तक हमने किया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी सेड ओके लेकिन अगर अब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में आ जाए तो क्या होगा रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस का टेंस होगा उसकी वर्ब में कोई भी चेंज नहीं आएगा एग्जाम्पल देखिए ही सेज ही इज अ प्लेयर अब यहाँ पर सेज ये प्रेजेंट टेंस हो गया तो यहाँ पर क्या होगा ही सेज दैट पर्सन वाले चेंजेज हम फॉलो करेंगे ही थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा अब यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है इज अगर पास्ट टेंस में वर्ब होती तो इज एम आर चेंज हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेज है है प्रेजेंट टेंस में तो is का, is ही रहेगा वाज नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा ही अ प्लेयर आगे देखिए आई शेल से रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो गई फ्यूचर टेंस में तो आगे हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में आई हैव बोट अ बुक आंसर क्या होगा आई शैल से दैट आई फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट आई के पास जाएगा तो कोई चेंज नहीं आई का आई हो गया अब यहाँ पर हैज़ हैव चेंज हो जाते हैं हैड में लेकिन हम इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर टेंस है हैव ही रहेगा तो आंसर क्या हो गया बिल्कुल ही सिंपल आई शैल से दैट आई हैव बोट अ बुक नेक्स्ट राज सेज आई वेंट टू आगरा ऑन संडे राज सेज सेज फिर से प्रेजेंट टेंस हो गया तो राज सेज दैट आई फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग क्लोज के सब्जेक्ट राज के पास जाएगा राज एक लड़का है तो आई का बन गया ही अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म चेंज हो जाती थी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में लेकिन क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है तो हम इस वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे सिर्फ हमने पर्सन वाला प्रोनाउन वाला चेंज किया है ही वेंट टू आगरा ऑन संडे तो हमने रूल डिस्कस किया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस दिया हुआ होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता नेक्स्ट है थर्ड टाइप अगर डायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन और हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हुआ हो तो भी इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कोई चेंज नहीं करते एग्जाम्पल देखिए ही सेड डेथ इज इन ये एक सच्ची बात है यूनिवर्सल ट्रूथ है कि डेथ जो है उस पर कोई विजय नहीं पा सकता ये तो अटल है ही सेड दैट डैथ इज इनएविटेबल इसका इज ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है नेक्स्ट देखिए आई सेड आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ अब ये आई की हैबिट Habit है हेबिचुअल एक्शन दिखाया गया है तो भी टेंस में कोई चेंज नहीं होगा स्पीक का स्पीक ही रहेगा आंसर होगा आई सेड दैट आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ अगला एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य ही सेड इंडिया बिकेम फ्री इन ही सेड दैट अब ये बिल्कुल एज इट इज़ रह जाएगा क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि इंडिया 1947 में फ्री हुआ था तो यहाँ पर बिकेम का बिकेम ही रहेगा ही सेट दैट इंडिया बिकेम फ्री इन 1947 तो इस वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में वही सीखा है अगली वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंसेस इंटरागेटिव एक्सक्लेमेटरी और बहुत सारी टाइप्स को सीखेंगे इस वीडियो के लिए इतना ही आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट नाउ प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश क्लासेस विथ शीतल शर्मा